ये पूर्व में यहाँ से 3 किलोमीटर दूर घुचियारी की वो घटना आज तक नहीं भूली है और उसकी पुनरावृत्ति 4 किलोमीटर के परिधि में हुई है। ये प्रशासनिक कमाऊखोरी, भ्रष्टाचार और शिक्षा माफिया का गठजोड़ है। शिक्षा के केंद्रों का मापदंड क्या होना चाहिए, इनकी मान्यता क्या होनी चाहिए, इनके नॉर्म्स क्या होने चाहिए, उसका कहीं पालन नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी एकदम धृतराष्ट्र बन चुके हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, सांसद आ गए, कलेक्टर आ गए, सारे लोग, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनका पाप जनता के सामने, इन बच्चों की बलि से सामने आया है। और इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, 4-6 दिन बातें चलती हैं, चाहे मीडिया में हो, चाहे प्रशासनिक तंत्र में हो, चाहे राजनीतिक, लेकिन उसके बाद कई तरह के अभी बोले जाएंगे कि कार्यवाही होगी, कई तरह के बोले जाएंगे। इस घटना में जो जिम्मेवार हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, संबंधित स्कूल संचालक और जो भी जिम्मेवार हैं यहाँ के, सब पे 302 का मुकदमा एक बार दर्ज करें। आपके मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूँ कि जो जिम्मेवार हैं उनके ऊपर जब 302 का मुकदमा दर्ज होगा, तब जाके इस तरह की भविष्य में घटनाएं नहीं होगी, नहीं कभी नहीं रुकेगा। एक शिक्षा माफिया के दम पर, पैसे के दम पर इस तरह की हत्याएं होती रहेंगी। ये दुर्घटना नहीं, हत्या है, और इस हत्या के जो जिम्मेवार हैं उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नहीं तो हम लोग, ये बच्चों की जान गई, हम अपना और उनके जो पीड़ित माँ बाप हैं उनके साथ अपना जीवन का त्याग करेंगे जिससे इस तरह की भविष्य में घटनाएं ना हो। और अगर 302 का मुकदमा 24 घंटे में दर्ज नहीं होता तो कल हम सभी एसडीएम कार्यालय मनिगमा के सामने आमरण अनशन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की और जिला प्रशासन की होगी। मौके पर आए हुए हैं, विद्यालय में घटना घटित हुई है, कैसे क्या था पूरा मामला? अब वो विद्यालय के बाहर कोई मकान था, जर्जर मकान की दीवार थी, वो गिर गई। उसी समय बच्चे अपने घर जा रहे थे, उनके माता पिता गार्जियन लेने आए थे, उसी समय वो दीवार गिरी और मलबे में बच्चे दब गए हैं। अब 4 तो गंगे अस्पताल में है, 1 संजय गांधी अस्पताल में है, इस तरह से अभी जो प्रारंभिक जानकारी हो इस तरह की है। अभी कितने बच्चों को दबने की सूचना आ रही है इसमें? नहीं, अब कोई बच्चे नहीं दबे हैं, जो बच्चे दबे थे वो निकल गए हैं। अब वो कितने ही संख्या है वो अभी सही जानकारी नहीं मालूम हो रही है, पर वो 4 या 5 की संख्या है। प्राइवेट विद्यालय है? हाँ, प्राइवेट विद्यालय तो प्राइवेट है, लेकिन विद्यालय का भवन नहीं है, वो भवन किसी दूसरे व्यक्ति का है। गली वो विद्यालय के आने जाने का रास्ते की दीवार गिरी है। शिक्षा विभाग पूरे अमले पर जब ये व्यवस्थाएं बनती हैं, विद्यालय बनता है, नौनिहाल बच्चों को आने जाने के लिए व्यवस्था और इन सारी चीज़ों की एक जवाबदेही होती है, उसके साथ साथ एक मापदंड होता है कि इतने स्पेस और ऐसी व्यवस्था होने पर ही हम मान्यता देंगे पूरे मामले पर। सांसद अब वो चीज़ें आज अभी ये डिस्कशन का मामला नहीं, अभी तो बच्चों की देख रेख, उनकी गिनती और कहाँ है उस पर सारा दिमाग लगा हुआ है।
और ये सब चीजें जब सब पूरा कंट्रोल में आ जाएंगी उसके बाद इस संबंध में बातचीत करेंगे। श्रीमान जी, घटना के पहले जब इस तरह की कोई जानकारी मीडिया के माध्यम से या समाज सेवियों के माध्यम से उठाई जाती है उस पर कोई एक्शन नहीं होता, जब कोई बड़ी घटना घटित होती है तभी पूरा प्रशासनिक अमला और राजनेता सामने आते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी इसको अभी तो उनकी चिकित्सा और सुविधा के बारे में अपन बातचीत कर ले, उसके बाद मैं खाली हो जाऊंगा सब चीजों को देखने के बाद तो सब सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। अभी तो तत्काल अभी उनको कितने बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में है, कौन जिंदा है, कितने क्या हैं, उसकी चिंता भी है, उसके बाद आगे बात करेंगे। बात ये है, विद्यालय के नौनिहाल बच्चों के साथ घटना घटित हुई है, पूरे मामला क्या है सर? एक प्राइवेट स्कूल पीछे था, हाईवे से काफ़ी पीछे अंदर था, उससे हाईवे में पहुंचने का एक रास्ता था, रास्ते के बगल में एक व्यक्ति की नामदेव हैं उनकी बाउंड्री थी, और वो बाउंड्री जब बच्चे छुट्टी होके बाहर जा रहे थे तभी अकस्मात उसी समय गिर गई, जिसमें कि बहुत से बच्चे दबे हुए थे, तो सब और लोगों को सुरक्षित किया गया, 5 लोगों को यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया है, 5ों का सबका परीक्षण हुआ है, एक को हमने रेफर कर दिया है अभी मतलब डॉक्टर ने संजय गांधी के लिए, और 4 आदमियों का अभी जो है कैजुअल्टी की डॉक्टर बता रहे हैं, तो वहाँ पहुँच के भी हम लोग देखते हैं। सर, जब कोई घटना घटित हो जाती है उसके बाद प्रशासनिक अमला और ये जो राजनेता होते हैं सब मौके पर पहुंचते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, सहानुभूति की भी बात करते हैं, लेकिन इसके पहले जो हालात हैं, जर्जर भवनों में विद्यालय संचालित हो रही हैं, साथ साथ कई ऐसे मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं होता। रीवा के जिला शिक्षा अधिकारी, इसके पहले नईगढ़ी से जिला शिक्षा अधिकारी के पास ऐसे विद्यालयों की जानकारी भी चाही गई थी, कुछ हो नहीं रहा है सर? नहीं, इसको अब जैसा भी सांसद जी ने बताया कि अभी हम लोग पहले तो ये सुनिश्चित कर लें कि जो भी बच्चे इससे घायल हुए हैं उनका इलाज हो जाए, जो प्रभावित लोग हैं उनका इलाज हो जाए, और यहाँ का जो स्थिति है वो नियंत्रित कर दी जाए, जो और भी दीवार अभी कुछ दिख रही है कि गिर सकती है उसको अपन क्लियर करा दें कि जैसे कोई और कैजुअल्टी ना हो। बाकी हम लोग इस तथ्य को भी परीक्षण करेंगे कि जो है ये जो स्कूल बना है कैसे मान्यता दी गई इसको, बिना रास्ते के जगह में किस तरह से मान्यता दी गई और कितनी इसमें जगह है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग जैसे ही इस ये हो जाता है सेटल उसके बाद हम लोग इसको भी देखते हैं, इस बिंदु पर भी देखते हैं, और अगर इसमें जो भी होगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। मैं यही बात कर रहा हूँ कि एक मापदंड होता है विद्यालय खोलने के लिए, क्या उन सभी नियमों को मापदंड का पालन किया गया, और अगर बाउंड्री वाल जर्जर था, दीवार जर्जर थी, तो क्या इसके पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस और ऐसी क्या कुछ कार्रवाई की गई थी? नहीं, इसमें हम लोग DO से बात कर रहे हैं और उनको बुला रहे हैं, और इनके कैसे मान्यता इनको दी गई है उसमें इन्होंने अपने नाम का पालन किया है कि नहीं किया है इसको भी हम लोग किस क्लास तक विद्यालय संचालित 1 से 8 तक है जो है। जिला शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी नहीं दिख रही सर? नहीं, उनको खबर किया है, वो आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। देखिए, 4 हमारे नौनिहाल जो असमय काल के हमारी संवेदना है उनके साथ भी है और उनके परिवार वालों के साथ है, और ये बारिश के कारण जैसे आप लोग देख रहे हो कि ये हुआ है। अब इसमें जिम्मेदार कौन है वो अलग का विषय है, पर आज तो दुर्घटना हुई है। दुर्घटना के बाद ही तो पूरा प्रशासन पहुंचता है, उसके पहले क्या जांच के लिए कोई अधिकारी किसी विद्यालय में पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहे हैं, और सारे क्या कहते हैं सरकार के व्यवस्थाएं CAC BAC BRCC सब इसीलिए बने हुए हैं कि वो विद्यालय की जांच करें। पूरे जिले में कितने ऐसे जर्जर विद्यालय भवन है जहाँ विद्यालय संचालित हो रही है, आपका ये जवाब कितना फैक्ट है उन विद्यालयों के लिए? अब इसी को ही हमारे पास आज तो फैक्ट की सूचना नहीं है कि कितने विद्यालय जर्जर है। प्राथमिक शाला मिश्रा के संबंध में आपने ही मीडिया में बयान दिया था। प्राथमिक शाला मिश्रा, आपको बता दें, माननीय विधायक जी के द्वारा ही ये बातें संज्ञान में आई थी, और उसके प्राकरण आकलन के लिए चूँकि 1 से लेकर 8 तक की जो बिल्डिंग होती है उनके संचालन व्यवस्था होती है वो सब शिक्षा अभियान के तहत होती है, तो राज्य शिक्षा केंद्र को DPG कार्यालय से वो उसके प्राकलन भेजे जा चुके हैं। उनकी बैठक की व्यवस्था नेत्र जगह तो कराई जा सकती है, क्या इसी तरह की घटना के इंतजार में आप लोग बैठे हैं? नहीं, घटना के इंतजाम कौन बैठेगा? तो फिर बच्चे घटना के इंतजाम कोई नहीं बैठेगा, और अगर उसमें जो है प्राथमिक मिश्रा, हाँ। मैं दिखवाता हूँ, मैं तत्काल दिखवाता हूँ, कल आप परसों आपको दिखवा के बताता हूँ।